बच्चों, निकलम विधि से गुणा करने का एक और उदाहरण हमारे सामने है, और इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, 1014 और 994। ये दोनों संख्याएं 1000 के नज़दीक हैं, और इसलिए हम इस प्रश्न को हल करने के लिए आधार को 1000 लेंगे। हमारा आधार 1000 है, और विचलन की जब हम बात करेंगे तो हम देखेंगे कि इस 1000 से 1014 कितना दूर है और 994 की दूरी क्या है। तो इसको हम विचलन के रूप में देखेंगे, तो हम यहाँ लिख लें कि संख्या हमारी क्या है और उसका विचलन क्या है। तो हमारी पहली संख्या है 1014, और आप देख रहे हैं कि ये संख्या इस आधार 1000 से 14 अधिक है, तो हम विचलन को लिखेंगे कि हमारा विचलन धन 14 है। दूसरी वाली संख्या को देखिए, ये संख्या है 994 और वो 1000 से 6 कम है, तो यह हमारा विचलन होगा ऋण 6 के बराबर। तो आप जानते हैं पहले के उदाहरणों से कि हम जब गुणनफल प्राप्त करेंगे तो हमारे दो हिस्से होंगे, एक दाहिना हिस्सा होगा और एक बायां हिस्सा होगा, दायां भाग या बायां भाग। और दाहिना भाग प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पर तीन स्थान देने होंगे, क्योंकि हमारी आधार संख्या जो है वो 1000 तक की है, इसमें 3 शून्य हैं, तो यहाँ पर हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक लिखने होंगे, और ये परिणाम हमको मिलेगा इन विचलनों का आपस में गुणा करने पर। तो विचलन हमारा धन 14 और ऋण 6 है, इनको गुणा करने पर हमें 84 मिलेगा, और चूंकि 6 ऋणात्मक है इसलिए इस परिणाम को हम ऋणात्मक मानेंगे, और चूंकि एक जगह खाली है तो इसे हम 0 से पूरा करेंगे। तो हमें दाहिने हिस्से में 3 संख्याएं मिल रही हैं, इकाई में 4, दहाई में 8 और सैकड़े में 0। अब बाएं हिस्से की हम बात करें, यहाँ पर 1000 और उसके आगे की संख्याएं मिलेंगी हमें, और इसे प्राप्त करने के लिए आपने पहले की विधियों में देखा है कि एक संख्या लें और दूसरी संख्या के विचलन को उसमें जोड़ दें, या आप दूसरी संख्या लें और पहली संख्या के विचलन को उसमें जोड़ लें। तो जो इन दोनों में से किसी भी एक तरीके का आप उपयोग करें तो जो परिणाम आएगा वो आपके उत्तर का बायां हिस्सा होगा। तो आप देखिए, पहली संख्या है 1014 और उसमें आप ऋण 6 का योग करें तो आपको मिलेगा 1008। दूसरा तरीका आप अपना सकते हैं, आप दूसरी वाली संख्या लें जो आपकी 994 है और इसमें पहली वाली संख्या के विचलन यानी धन 14 का योग करें, तब आपको मिलेगा, फिर से आपको मिलेगा 1008। ये दूसरा तरीका है। एक और तरीके की बात हमने आपके साथ की थी जो आधार से आपको मिलती है, कि आधार में आप चाहें तो इन दोनों विचलनों को जोड़ दें, तो 1000 में आप 14 जोड़ें और 6 घटा दें, ऐसे में भी आपको 1008 ही मिलेगा। तो इन तीनों में से किसी भी एक तरीके का उपयोग करिए और जो परिणाम आपको प्राप्त होता है उसे यहाँ लिख लीजिए, तो आपको मिलेगा 1008। ये आपके उत्तर का बायां हिस्सा होगा। अब आगे आपको ये देखना है कि वास्तव में ये जो हमें 84 प्राप्त हुआ है ये ऋणात्मक है, तो पूरे परिणाम में से हमें इस राशि को घटाना पड़ेगा और पूरी संख्या आपकी 1008 है, उसके बाद इकाई, दहाई, सैकड़ा भी शामिल है, तो ये कुल संख्या जो होगी वो इस तरह से होगी 1008 और फिर 3 शून्य, और जो क्रमशः इकाई, दहाई, सैकड़ा को बताएंगे, तो ये संख्या हो गई इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10000, 1,00,000, 10,00,000, 8,000 आपकी संख्या है। इसमें से आप 84 घटाएं अगर तो आपको क्या मिलता है, ये आपका 1,00,000 और 8,000 में से 1,000 कम हो जाएगा, 7,900 भी आपको मिलेगा, और 100 में से 84 को आप घटाएंगे तो आपको मिलेगा 16। तो इस तरह से आप देखिए, 6, 4, 10, 1, 1, 2 और 8, 10, 9 और 1, 10, 7 और 1, 8, और ये आपकी संख्या आ गई। तो आपको परिणाम मिला 1,07,916, जो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल को व्यक्त करता है। तो एक बार फिर से देख सकते हैं कि आपने देखा कि यहाँ पर दोनों संख्याएं 1000 के नज़दीक हैं, तो आपने आधार 1000 लिया, और यहाँ से इन दो संख्याओं को जो प्रश्न में दी हुई हैं, 1014 और 994, इनका विचलन 1000 से
धन 14 माना जाएगा और इनका इसका विचलन 1000 से ऋण 6 माना जाएगा। और उत्तर के दो हिस्से होंगे, दाहिना हिस्सा और बायां हिस्सा। दाहिने हिस्से को प्राप्त करने के लिए आप दोनों विचलनों का गुणा कर रहे हैं, आपको 84 मिला और इसके ऋण होने की वजह से ये जो परिणाम आपको मिला है वो भी ऋणात्मक होगा। और इसे प्राप्त करने के तीन तरीके आपने देखे, उनमें से किसी भी एक तरीके का इस्तेमाल करिए, ये आपको संख्या मिलेगी। और टोटल जो परिणाम हुआ ये आपका 10,08,000 पूरा का पूरा है और इसमें से आप 84 घटा रहे हैं तो आपको मिल रहा है 10,07,916। तो बच्चों ये आपका परिणाम हुआ, एक बार आप कोशिश करिए और इसे फिर से बनाइए।